कांग्रेस ने मोदी सरकार की लगा दी लंका, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया आगे। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के पांचवें दिन बुधवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उनके अलावा बीआरएस सांसद नागेश्वर राव ने भी अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया। यह विश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर दिया गया है। विपक्ष मणिपुर में जारी हिंसा पर सदन में चर्चा और पीएम मोदी से जवाब मांग कर रहे हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह पीएम मोदी के बजाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देना चाहती है। विपक्ष पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है और मुद्दे पर पिछले चार दिनों से संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा सदस्यों ने 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राण निछावर करने और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तभी कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सुबह 9:20 पर लोकसभा सचिव कार्यालय में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी के प्रस्ताव को भी रखा और नोटिस को स्वीकार किया। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि संख्या बल के मामले में विपक्षी मौजूदा एनडीए सरकार से काफी पीछे है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। देखने वाली बात है कि चारों तरफ से जिस तरीके से विपक्षी दल घेर रहे हैं बीजेपी सरकार को, तो बीजेपी सरकार क्या करती है आगे, इसमें बहुत ज्यादा अभी जंग छिड़ा हुआ है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।